हेलो बच्चों, क्लास 11th। आज हम पढ़ेंगे बेटा विलयनों की सांद्रता। विलयन की सांद्रता की के पद टर्म्स यूज्ड फॉर शोइंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो पहले आपको सॉल्यूशन समझा देते हैं। तो बेटा सॉल्यूशन क्या होता है? जब किसी द्रव में, विलयन क्या होता है? जब किसी द्रव में हमने कोई चीज़ डाली, या हमने डाल दी, मान लो शक्कर डाल दी, शर्करा, और ये क्या है? जल। जल में शक्करा डाली तो ये विलयन नहीं है, पर जल में शक्करा डाल के हमने मिला दी, तो यहाँ से लोगे तो भी जल और शक्कर का मिक्सचर मिलेगा, जल प्लस शर्करा। यहाँ से लोगे तो भी जल और शर्करा ही मिलेगा। तो द्रवों का या दो पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। इंग्लिश मीडियम वालों घबराओ मत, तुम्हारे लिए भी है। ये हमने ले लिया वाटर और ये ले लिया हमने शुगर। हम यहाँ से लेंगे तो भी वाटर प्लस शुगर मिलेगा, हम यहाँ से लेंगे तो भी वाटर प्लस शुगर मिलेगा। जितना पानी यहाँ मीठा होगा उतना ही पानी यहाँ मीठा होगा, चाहे यहाँ से लो यहाँ भी उतना ही मीठा पानी मिलेगा। तो बेटा द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू, द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। इज कॉल्ड क्या होगा बेटा? सॉल्यूशन। वो मतलब सेम सॉल्यूशन का छोटे में ऐसे लिखते हैं, SOL खोपड़ी पे N, सॉल्यूशन। तो बेटा ये तो हो गया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में दो पार्टिकल्स पाए जाते हैं। सॉल्यूशन दो चीज़ों का मिक्सचर होता है, एक होता है बेटा सॉल्वेंट और दूसरा होता है सॉल्यूट। विलयन क्या होता है बेटा? दो चीज़ों से मिलकर बना, दो घटकों से प्राप्त है, विलायक और विलय। अब विलायक क्या होता है और विलय क्या होता है अभी बता। तो बेटा सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट, विलायक। बेटा सॉल्यूशन बनाने के लिए कोई चीज़ घोल रहे हो, जिसमें घोल रहे हो वो है सॉल्वेंट। क्या है? सॉल्वेंट क्या है? जिसमें घोल रहे हैं, और सॉल्यूट क्या है? जिसको घोल रहे हैं, सॉल्यूट, विलय। तो ऊपर वाले मिक्सचर में सॉल्वेंट कौन है? वाटर, जल, और यहाँ पे विलय कौन है? शुगर, शर्करा। जिसको घोलते हैं वो है विलय, और जिसमें घोलते हैं वो है विलायक। जिसको घोलते हैं वो है सॉल्यूट, और जिसमें घोलते हैं वो है सॉल्वेंट। तो बेटा ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट का फंडा है। सॉल्वेंट अक्सर ज़्यादा मात्रा में होता है, मोर क्वांटिटी, ज़्यादा मात्रा, आधिक्य में, मोर क्वांटिटी, ज़्यादातर, हमेशा नहीं बेटा, ज़्यादातर। लेस क्वांटिटी में सॉल्यूट होता है, कम मात्रा में हमेशा क्या पाया जाता है बेटा? विलय होता है, ज़्यादातर, हमेशा नहीं, ज़्यादातर। याद रखना, हमेशा नहीं बोल रहा हूँ मैं, हमेशा नहीं बोल रहा, याद रखो, ज़्यादातर बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ विलायक हैं जो विलायक ही रहते हैं, जैसे जल, एल्कोहल, बेंजीन, ये सब विलायक हैं। अब बेटा पूरे विलयन में ए से दर्शाते हैं विलायक को, सॉल्वेंट को शो करेंगे हम ए से। यह हमारा नोट है, इस नोट को पढ़ना ज़रूरी है। बी से हमेशा शो करेंगे सॉल्यूट को, W वेट, भार,
एम मोलर, मॉलिकुलर मास, मोलर मास, अणुभार, स्मॉल एन नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। अगर एन ए हो जाता है तो बेटा ए से सॉल्वेंट शो करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। विलायक के नया सॉल्वेंट बेटा, सॉल्वेंट ए से सॉल्वेंट शो कर रहे हैं। विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या। एन बी हो गया तो विलय के मोलों की संख्या। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। बेटा एन बी जो होता है वो होता है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और एन ए जो होता है वो होता है डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। मैंने पहले ही बताया था नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट ऑफ अपॉन मॉलिकुलर मास, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिकुलर मास। तो सॉल्यूट का है तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट का है तो वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अभी आप इतना तैयार कीजिए, कल से कल मैं आपको पढ़ाऊँगा मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, और आपको वो पढ़ाया जाएगा तुल्यांकी भार निकालना कैसे निकालते हैं, यानी मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी एंड कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट। तो बेटा आज के लिए इतना काफ़ी है, ये आप समझिए सॉल्यूशन क्या होता है।